8 साल पुरानी तीनों सीडी हुई ठीक। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 8 साल पुरानी तीन ओसीडी ठीक हुई है। एच ओसीडी, रिलीजियस ओसीडी, प्योर ओसीडी। तीन ओसीडी ठीक हुई है, क्या कुछ उन्होंने अप्लाई किया और किस तरीके से रिजल्ट मिला, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मुरादाबाद यूपी से एक व्यक्ति थे, उनको यह तीनों प्रॉब्लम थी। शुरुआत में उनको प्योर ओसीडी होता है, उसके बाद फिर रिलीजियस ओसीडी होता है और उसके बाद एच ओसीडी उन्हें हो जाता है। एच ओसीडी का तो उनका कारण रहा था कि उनका कुछ ऐसा क्राइटेरिया बन गया था जिसके अंतर्गत वह इसमें फंस गए थे। और जो रिलीजियस ओसीडी था उसको उन्होंने जानबूझ करके डेवलप किया था। अब जब केस हिस्ट्री उनका हुआ तो उससे निकल करके बात सामने आई कि उनका एनवायरनमेंट ऐसा था, कुछ उन्होंने नेगेटिव आंकड़े जानबूझ करके इकट्ठे किए थे, किसी के बहकावे में आकर या किसी की बात में आकर के, और कुछ जीन के माध्यम से ये चीज ट्रांसफर हुई थी। तो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वह भी इसी तरीके का रहा था। ये सब चीजें उसके अंतर्गत निकल करके आई। अब 25 दिन तक उन्हें SST, ART, धन्यवाद तकनीक, फेम थेरेपी, ये सब चीजें करवाई गई और बेहतरीन तरीके से करवाई गई और अच्छा खासा रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिलने के बाद जब उन्होंने इसको क्लियर कर लिया, फिर पूछा गया कि क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे, तो एक्सपीरियंस के तौर पे उन्होंने यही बोला कि मैं पहले इस प्रॉब्लम को बहुत बड़ी मानता था, जब आपके साथ जुड़ा आपने मुझे बताया कि प्रॉब्लम को बड़ा मत मानो क्योंकि प्रॉब्लम आपके विचारों से पैदा हुई है, क्योंकि प्रॉब्लम आपके विचारों से पैदा हुई है, प्रॉब्लम ने आपको पैदा नहीं किया। तो अगर मैंने पैदा किया तो मैं इसको ख़त्म भी कर सकता हूँ। अब इस चीज़ का एहसास मेरे को करने में 10-11 दिन लगे और 10-11 दिन के बाद में जैसे ही मेरे को यह एहसास हो गया कि हाँ प्रॉब्लम को मैंने क्रिएट किया है तो मैं इसको ख़त्म भी कर सकता हूँ, उसके बाद में उसके बिलीफ टूटने शुरू हुए। और एक बार जब आपने मेरे को कंपल्शन पे राहत पाना शुरू करवा दिया था, उसके बाद में तो मैंने उसको हरा दिया, मुझे उसके अंदर फंसने का मौका ही नहीं मिला और आज एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। आज मुझे ऐसा कोई डाउट नहीं होता, कुछ नहीं होता, मेरा मन करता है वहाँ जाता हूँ, मन करता है वह चीज़ खाता हूँ, मन करता है वह पीता हूँ, मन करता है वह चीज़ देखता हूँ, सब कुछ किया। परंतु जो 25 दिन में आपने मेरा जीवन बदला ना, और 25 दिन तो आपने मुझे ठीक किया, परंतु जो परहेज था इसका वो हमने उनको 45 से 55 दिन तक करवाया था। तो कहते हैं कि वो सब चीज़ें करके मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम हम उनसे पूछते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन वालों को क्या ऐसा सजेशन देना चाहोगे, तो उन्होंने यही बात कही, सर्वप्रथम आपको यह मानना पड़ेगा ना कि हाँ यह बीमारी है, दूसरा मैं इसको हरा दूंगा, ये भी मानना पड़ेगा। और मैंने, क्योंकि शुरुआत में 10-12 दिन मुझे भी नहीं लगा था कि मैं हरा दूंगा, परंतु बाद में मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया, ठीक है, जब आपने फेम थेरेपी करवाया तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि हाँ मैं इसको हरा सकता हूँ, क्योंकि उस समय तक आपने मेरे को 34% का ऐसा ग्रोथ दे दिया था, ठीक है, मार्किंग में। तो उसके बाद में मुझे ऐसा हो गया कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। और सच बताऊं तो सर, उसके बाद मैंने 100% एफर्ट डालना शुरू किया था, उससे पहले 100% एफर्ट था नहीं मेरा। तो एफर्ट 100% लगाओ, आप ठीक हो जाओगे। यही बातें उन्होंने बताई है और यही की यही बात सीधी यहाँ आपको बता रहा हूँ कि 100% एफर्ट डालने से आप ठीक हो जाओगे। जो आपने चीज़ें बताई है वो सब करनी पड़ती है। मैंने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी हमारी टेक्निक थी, कौन सी बात थी जिससे आपको लगता है कि मुझे रिजल्ट मिला, तो उन्होंने कहा बातें आपकी सारी सही रहती है, जो आप देते हो ना, रूटीन देते हो, डाइट प्लान देते हो, सब चीज़ें देते हो, सबका अपना अपना सर रोल है, और आपने तो मेरे को पूरा डिटेल में समझाया एक एक चीज़ के बारे में, तो अब मैं आपको क्या बताऊँ, सब चीज़ों का महत्वपूर्ण रोल है, ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, परंतु जो आप एफर्मेशन देते हो ना वो बहुत ज़बरदस्त है। एफर्मेशन क्या निकल करके बात आई, एफर्मेशन। अब इस सफरर का तो एक्सपीरियंस एफर्मेशन का ही था, तो उसने एफर्मेशन बोला। इस चैनल पे बहुत सारी एफर्मेशन है जिनका आप प्रयोग करके ओसीडी से बाहर निकल सकते हो, अपने कंपल्शन को कम कर सकते हो,
अपने नेगेटिव बिलीफ को खत्म कर सकते हो। बहुत सारे लोग खुद से प्रयास कर रहे हैं ना, उनके लिए यह जरूरी है, वो खुद से इसके अंदर प्रयास करें और एफर्ट डालें, बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। यही समझाना चाह रहा हूँ, आप भी प्रयास करिए, मेहनत करिए, अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। आज के स्टूडियो में इतना ही, धन्यवाद।